हमको लगा कि अब नया जन्म हो गया मिल गई, तो हमको संभव नहीं था कि मिल पाए, मगर ऊपर वाला के दिन था कि मेरी बच्ची मिल गई। वो औरत बोल रही कि वो भटक रही थी, रो रही थी, तो हम उसको लिए हैं। रो रही थी तो वहाँ सर बोले कि थाना था, GRPF था, वहाँ तुमको देना चाहिए था, कि रो रही थी तो तुम घर में रख ले किसी का बच्चा। तो उसका बेटा बोल रहा है मेरी भगनी है, मेरी भगनी है, नशा में। तो उसका बेटा वो बहुत मार पड़ा वहाँ पर, पूरा नशे में था। हम अपना बच्ची को खोजने लगे तो बच्ची नहीं है, तो बच्ची शाम को लेके चले गई स्टेशन पे। कितने दिन ये घर से दूर रही? 17 दिन। 17 दिन दूर रही। जिंदा बच्चा कहीं चला जाएगा तो उसको कैसे खाना खाया जाएगा? वो तो बच्चे के खोज में रहेगा। ना खाना खाते थे, हमको कुछ में मने नहीं, दिन रात अपना रोते थे। हमको यही लगता था कि मेरे कैसी बेटी मिलेगी, कैसे क्या होगा, मेरा जीवन बेकार हो गया। वो SP साहब के कोर्सेज से हमारे बच्चे बहुत जल्दी कामयाब हुए। मारती थी तो करे कि हाँ, खाना नहीं खाते थे, दाल चावल मिलता था, दाल चावल नहीं खाते थे ना, तो वही मारती थी। पिछले दिनों रीजेंट सिनेमा के बगल से एक बच्ची को जो है, जिसके घर में अभी हम लोग हैं, लाडो को उसी के पड़ोसी, यानी ये ऊपर का जो आप छत देख रहे हैं उसके ऊपर में रहने वाला एक युवक ने जो है मात्र 500 रुपए में उसको जो है, जो सेक्स रैकेट चलाती है रेखा देवी, उसको बेच दिया गया था। और अब जो है पटना पुलिस जो है उसको बरामद कर चुकी है, यानी कि लाडो जो है अब वो मिल चुकी है। अभी हम लाडो के घर में हैं, ये लाडो का पूरा परिवार है। और देखिए कि लाडो जो है यहाँ पे आराम से सोई हुई है। इनके परिवार काफी परेशान थे, कहा गया कि कई दिनों तक इनके घर में चूल्हा नहीं जुटा था। उनकी माँ है और लाडो है। कब ये मिली, और मिली तो आप लोग को कैसा लग रहा है? मिली तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लगा कि अब नया जन्म हो गया मिल गई, तो हमको संभव नहीं था कि मिल पाएगी, मगर ऊपर वाला के दिन था कि मेरी बच्ची मिल गई। अब इससे बढ़कर खुशी हमको क्या चाहिए, मेरी बेटी मिल गई। तो ये कैसे हो गया कि ऊपर के पड़ोसी ने जो है बच्ची को ले जा करके 500 रुपए में बेच दिया, और आप लोग को जो है थोड़ा सा भी भनक नहीं लग पाया? हम लोग का उस लड़के के बारे में हमको जानकारी नहीं था। अच्छा, 2-4 दिन पहले हम तो नहीं देखे थे, अगल बगल आदमी देख रहा था, 2-4 दिन दुकान पर कुछ कुछ इसको टॉफी दिला रहा था। हम नहीं देखे, लास्ट 22 तारीख को हम 3 बजे इसको भी या इसको दोनों को दुकान पे से टॉफी या वो बिस्कुट ले आया, तो बोला यहाँ पर ना ला के मेरे रूम में। बोला कि छोटकी कहाँ है, तो हम बोले कि यही है, तो दे दी से। तो हम बोले ना, तो हम कभी काल उनको टोकते थे, सामान मंगाते थे तो कि थोड़ा सा ला दीजिएगा बिस्कुट, तो नहीं लाते थे। तो हम उस दिन ये भी बात बोले हैं कि हम मंगाते हैं तो आप नहीं लाते हैं, आज कौन ऐसा बात है कि आप अपने पैसा से आप सामान ला दिए, तो मुस्का के अच्छा लेगा। और फिर उसके बाद में हम नहीं जानते हैं, शाम हुआ, हम अपना बच्ची को खोजने लगे तो बच्ची नहीं है, तो बच्ची शाम को लेके चले गई स्टेशन पे। कितने दिन ये घर से दूर रही? 17 दिन। 17 दिन दूर रही। 17 दिन मिली, 16 दिन गायब हुई थी। 17वां दिन मिल गई। तो ये जो लड़का अभी जेल में है? हाँ, जेल में है। अच्छा, एक चीज और सुनने में आया कि जब इनके बड़े पापा गए लाडो के, तो सिर्फ आवाज दी तो आकर के जो है सीने से लिपट, हाँ, सीने से लिपट कर रोने लगे। हाँ। तो बड़े के पापा के पास बहुत रहती थी। हाँ। बड़े के पापा पे तो उसको उनको देखी तो इसको रोने लगे। एक माँ के स्तर पे आपका क्या रहा? इतने दिन, 17 दिन काफी दिन होते हैं, कैसे आपका दिन कटा? हमको बहुत दिन खराब कटा, ना खाना खाते थे, हमको कुछ में मने नहीं, दिन रात अपना रोते थे। हमको यही लगता था कि मेरे कैसी बेटी मिलेगी, कैसे क्या होगा, मेरा जीवन बेकार हो गया। बेटे के सहारे से हम अपना जीते थे कि दो गो मेरी बेटी है, मेरा बेटा का भी शौक नहीं है, अपने बेटिए पे हम अपना जिंदगी गुजारना चाहते थे। मेरी बेटी जब से गायब हुई तो मेरा, हम जान गए कि मेरा नरक का जिंदगी हो गया। हमको संभव नहीं था कि मेरी बेटी मिल पाएगी, मगर ऊपर वाला का देन है कि मेरी बेटी मिल गई। इससे बढ़कर हम खुशी कुछ नहीं है, मेरी बेटी वापस आ गई। पटना पुलिस को कैसे धन्यवाद देना चाहती है? अब तो हम उनको भी, हम जहाँ रहेंगे तो वहाँ से धन्यवाद दे देंगे, अपने दिल से दे देंगे धन्यवाद। बोलती है ये लाडो? बोलती, हाँ, है? बोलती है लाडो। खाना खाया? खाना खाया आपने? खाना खा लिया। खाना खाया? हाँ? किसी प्रकार का चोट उठ तो इसको नहीं? नहीं, चोट नहीं।
क्या कुछ बताई वहाँ के बारे में, कैसे रखा गया नहीं रखा? हम पूछे को कैसे रखती थी तो बोल रही की मतलब मारती थी तो कह रही की हाँ खाना नहीं खाते थे, दाल चावल मिलता था, दाल चावल नहीं खाते थे ना तो वही मारती थी। दाल चावल मिलता था? हाँ डेली दाल चावल मिलता था। तो बोले तो दूध कुछ पीती होगी? हाँ यहाँ तो दूध उध हाँ यहाँ सब चीज खाए, दूध सब पीते हैं। ठीक है, तो लाडो के पिताजी भी हमारे साथ हैं। पुलिस कैसे सूचना दी और कब आप लोग जो है लाडो को लाने गए? पुलिस का 1 बजे सूचना दिया अमित सर, पिरवौर थाना के दरोगा। अच्छा, वही हम लोग 20-25 आदमी गए, जबरदस्ती घर में घुसे, उसके पूरा चेक उक किए तब बच्ची मिली वहाँ घर में। वो औरत बोल रही कि वो भटक रही थी, रो रही थी तो हम उसको लिए हैं। रो रही थी तो वहाँ सर बोले कि थाना था, GRPF था, वहाँ तुमको देना चाहिए था कि रो रही थी तुम घर में रख ले किसी का बच्चा। तो उसका बेटा बोल रहा मेरी भगनी है, मेरी भगनी है नशा में। तो उसका बेटा वो बहुत मार पड़ा वहाँ पर, पूरा नशे में था वो। फिर बेटी को हम लोग लेके फिर थाना के साथ फिर बाहर आ गए। वहाँ पे वो नौटंकी कर रहा था कि मेरी भगनी है, और जब आपने आवाज दिया तो ये आपके पास आकर के जो है बड़े पापा आवाज दिए तो ये चली आई। वो बोल रहा मेरी भगनी है, तब सब मारने लगा उसको, सब जितना दोस्त लोग था सब मारने लगा उसको। लेडीज को ही मार पड़ा वहाँ पे, फिर थाना में ही मार पड़ा, SSP सर खुद आए थे, सब मारे हुए उसको, पूछताछ की है। अभी आगे का और बताएगी वो कहाँ कहाँ और बच्चा है। तो सोचिए कि 500 रुपए में जो है एक छोटी सी बच्ची को बेच दिया जाता है। आप कौन हुई इनकी? दादी हुई। कैसा रहा आप पर परिवार भी टेंशन में होगा, आप खुद टेंशन में है, खबर भी आया कि खाना पीना घर पे नहीं बन रहा था। कैसे बनेगा बताइए, जिंदा बच्चा कहीं चला जाएगा तो उसको कैसे खाना खाया जाएगा? वो तो बच्चे के खोज में रहेगा। और मेरे भतीजा ने बहुत खोजा, बहुत मेहनत किया सब बच्चों ने, मेरे पड़ोसी, मेरे अपने भाई, मेरे भाई बहुत कोशिश किया, तब बच्चे पुलिस से कोशिश तो बाज आ गए थे। उन लोगों ने अपनी मेहनत लगाई, रोज स्टेशन पर गए और पहरा लगाते लगाते अपने बच्चों को कामयाब हम लोग ने किया। ठीक है, अब जो है आपकी भी जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि थोड़ा इसको बढ़िया से देख रेख कीजिएगा। कोई अननोन पर्सन के हाथ में बिस्कुट अगर लेने चल गई चाहे कहीं, तो थोड़ा ध्यान ध्यान रखें आगे से। तो मात्र 500 रुपए में जो है इस बच्ची को बेच दिया गया था सेक्स रैकेट चलाने वाली रेखा देवी के पास। जब वहां ये लोग गए तो रेखा देवी का जो बेटा था उसका कहना था कि ये मेरी भगनी है, लेकिन जब अपने लोग आवाज दिए यानी इनके जो बड़े भाई आवाज दिए तो ये आ करके जो है गले में लिपट गई। और अब जो है लाडो अपनी माँ के पास है, अपने पूरी परिवार के पास है, और विशेष करके पटना पुलिस को बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद, क्योंकि यहाँ जो है पटना पुलिस का रोल जो है वो बहुत अहम होता है। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बहुत हमारे कोर्सेज के वो SP साहब के कोर्सेज से हमारे बच्चे बहुत जल्दी कामयाब हुए। ये पटना पुलिस का एक अच्छा काम है, और हमारे चैनल के तरफ से भी उनको धन्यवाद। और एक अंतिम सवाल इसलिए क्योंकि कल बकरीद है, तो बकरीद अब अच्छा से मनेगा ना? हाँ बकरीद बहुत अच्छा से मनेगा, क्योंकि मेरी बकरीद से पहले मेरी बेटी मिल चुकी। हाँ। तो अब हम बकरीद अच्छे से मनाएंगे। ठीक है, तो बकरीद आप लोग यहाँ अच्छा से मनेगा खुशी से बेशक। ठीक है, तो बकरीद है कल, और बकरीद से पहले एक बड़ी खुशी जो है इनके घर, इनकी जो बेटी है, इनकी जो पोती है, इनकी जो भतीजी है लाडो, वो लौट आई है। सुनने में आया कि उसको जो है वहाँ मारा जाता था, छोटी सी बच्ची को दाल भात रोज खिलाया जाता था, नहीं खाने पर उसको मारा जाता था। फिलहाल वो अपने घर में है, छोटा सा घर है इनका, और अब जो परिवार में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सरी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।